तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप इज, पहला स्टेप क्या है कि बॉडी को क्या करना है, सब सेल्स को एक्टिवेट करना है, साथ में लेना है, तभी तो मेडिटेशन कर सकते हैं, नहीं तो क्या मेडिटेशन होगा, माइंड का खेल है ना, सारे माइंड को साथ में लेना पड़ेगा। स्टेप नंबर वन, ये लॉजिक समझा क्या है बॉडी का, इंजीनियरिंग तो समझे पहले, तो इट्स फुल ऑफ डिफरेंट सेल्स एंड एवरी सेल हैज व्हाट, द माइंड नंबर वन। नंबर टू, पहला तो इसको एक्टिवेट करना है, उसके बाद में बॉडी साथ में तो आ गया, लेकिन इसके अंदर कई सारे नेगेटिव इमोशंस हैं, नेगेटिव इमोशंस, बहुत सारे नेगेटिव इमोशंस, उन नेगेटिव इमोशंस को निकालना है, तो करने का देंगे विलन्स है, यार विलन्स इन आवर बॉडी, वो काम नहीं कर रहे, अच्छा काम नहीं कर रहे, हमारे अंदर कुछ इमोशंस है। स्टेप नंबर टू, उनको निकालना है, बराबर ऐसा होता है, मेरे को ऐसा होता था बहुत लंबे समय तक, मैं आई वाज स्मॉल था गणपति में, चरण तकड़ से डांस करना शुरू कर दिया, ऐसा होता है बहुत लोगों को, वो नशा है एक्चुअली, वो एक नशा है, एक नशा है बॉडी के सेल्स जो है ना नाचने लगते हैं, तो हम लोग वो नशे में आएंगे, पहले बॉडी को नशा देंगे, नाचेंगे, आप अपने आप को मतलब जानबूझ के नचाना पागलों जैसा, उससे क्या होगा, जो बॉडी में हमारे बॉडी का नेचुरल जो हैबिट है ना, वो नाचने में मग्न होता है, लेकिन हम लोग ने क्या है कि कुछ बाउंड्रीज डाल दी, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, इसके लिए नाच का जानबूझ के नाचना, आपको कोई देखने वाला नहीं है, ओके, तो हम लोग सब खड़े हो जाएंगे, वी ऑल विल स्टैंड और हम लोग नाचेंगे, उसका पर्पस ये है कि मेरे को जो है मेरे बॉडी के हर एक सेल को प्रेजेंट अवस्था में, मेरे साथ अवस्था में लेके आना है, ओके, तो नाचना। शांति 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 शांति। सुनाई दी आवाज, सुनाई दी आवाज, किसको सुनाई दी? देखो ये बहुत माइक्रो लेवल की चीज़ है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये माइंड को बहुत माइक्रो लेवल पे लेके जाने वाली गेम है, ये खेल है, ये गेम है। अभी हमने क्या किया, हमने सहारा दिया, और वाकई में अगर मेडिटेशन की गहराई में जाना चाहते, इसको क्या होता मालूम है, जब हम बंद करते हैं ना, इस वक्त अभी अगर आपको सुनाई दी है ना, तो अभी बिना हाथ के भी सुनाई दे रही होगी, तो अभी वो आवाज़ एकदम तेज हो गई, मेरे कानों में आवाज़ जो है पहले नहीं थी, बंद किया ना, अभी बहुत तेज हो गई वो आवाज़, बहुत तेज हो गई आवाज़, तो जिसको सुनाई दी, हाथ निकालने के बाद फिर वो सुनाई देती है, क्योंकि मैं उस मोड में चला गया, मेरा माइंड जो है, मन जो है वहाँ पे चला गया था एक्चुअली, तो फिर वो सुनाई देती है, फिर बिना हाथ के भी सुनाई देती, अभी मुझे सुनाई दे रही है वो, और वो उसका प्रेजेंस है, वो जो नीचे लेवल का जो साउंड है उसका प्रेजेंस है, उसकी आवाज़ बहुत तेज है, बहुत तेज है उसकी आवाज़, मेरे को सुनाई दे रही है, अब वो जो आवाज़ है ना, उसी को साधु संत क्या बोलते पता है, उसको बोलते हैं अनहद वाणी, आपने शब्द सुना होगा अनहद वाणी, और साधु संत क्या बोलते हैं कि
कि मैं जो है अनहद वाणी में जाके बैठा हूं। क्या बोलते हैं? वहां पे विचार नहीं है, अनहद वाणी, ये आवाज जब सुनाई दे रही है, अभी मैं बैठा हूं, अनहद वाणी, वो आवाज सुनाई दे रही है। हमारा शरीर कुछ ऐसा बना है कि अगर मैं सुनता हूं, जब मैं सुनता हूं तो विचार नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि मन वहां पे है, वो अलग दुनिया है। यहां पे हूं तो यहां पे दिखाई नहीं देगा, अब यहां पे हो तो घर दिखाई दे रहा है क्या? नहीं, आप यहां पे हो वो नहीं दिखाई देगा, लेकिन वहां पे हो तो ये दिखाई देगा क्या? नहीं दिखाई देगा। वैसे ही ये दो अलग घर है, ये अलग दुनिया है। क्या? ये आवाज और विचार, ये अलग दुनिया है। जब आवाज सुनाई देती है तो विचार नहीं आते। अगर आपने मुझे सुना तो उस वक्त आपको विचार नहीं आया, और अगर आपको विचार आ रहा तो उस वक्त आपको मेरी आवाज समझ में नहीं आएगी, क्योंकि दोनों एक टाइम पे एक ही चीज होती है, दोनों नहीं होती है। समझ रहे मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूं? देखो, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। दिस इज ए गेम ऑफ प्रैक्टिस। सुनने की कोशिश करना, अगर आपको नहीं सुनाई दिया तो कान को थोड़ा जोर से दबाना, थोड़ा जोर से दबाना, जोर से दबाना, और ध्यान को जो है उस आवाज की तरफ लेके जाना, वो सुनाई देगी, बहुत जोर से सुनाई देगी। ओके, एक बार जरा वापस से प्रैक्टिस करते हैं। कान को जोर से दबाना और उस कान, उस आवाज को सुनने की कोशिश करना। अगर आपने सुन लिया तो इसका मतलब ये है कि अब आप उस वहां तक जा सकते हो जहां पर बिना हाथ रख के भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। एंड यू कैन गो एंड सिट इन अनहद वाणी, जहां पर जब आप जाते हैं तो यहां पे सारे नेगेटिव विचार मरने लगते हैं, धार 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 धार। एंड व्हेन यू कम बैक, यू आर अ डिफरेंट पर्सन, यू आर अ डिफरेंट पर्सन व्हेन यू कम बैक। विमंदा जी, व्हेन यू कम बैक यू आर अ डिफरेंट पर्सन, आप एक अलग व्यक्ति हो जाते। और अगर आप 6 महीने के बाद किसी, अगर आपने 6 महीना किया तो 6 महीने के बाद अगर आपको कोई मिल रहा है, वो आपको बोलेगा, अरे आप तो बदल गए पूरा, बिकॉज मैं जो दिख रहा हूँ इस वक्त, मैं जो दिख रहा हूँ उसमें मेरे विचारों का बहुत बड़ा योगदान है। जैसे मेरे विचार हैं वैसे मेरा चेहरा हो जाएगा। ओके, एक बार फिर से प्रैक्टिस करेंगे। इट्स अ गेम ऑफ प्रैक्टिस। 2 मिनट के लिए कमर सीधी, कमर को रोक के रखना, क्योंकि वो कण कण के साथ में कर रहा हूँ ना मैं, तो पूरी बॉडी के साथ नहीं कर रहा हूँ, वो कण कण, मैं जरा सा भी हिलता हूँ ना तो कई सारे कण ऐसे हिल गए, ऐसे हिल गए। वो मैंने दिखाया था ना, उसमें मेरे जो कण है ना ऐसे इधर इधर भी फैले हुए, जरा सा भी हिला तो हिल गए। एक ढेर है ये जो है ना, एक ढेर है, बहुत सारे, एक कण ऐसा बाहर आया तो दिखाई नहीं देने वाला, हो इतने सूक्ष्म है वो, तो जरा सा भी हिला तो समझ गया वो कई बहुत ज्यादा हिल गया ऐसे। ओके, तो शरीर को रोक के कमर सीधी और 2 मिनट के लिए कानों को बंद करके उस आवाज को, अनहद वाणी को सुनने की कोशिश करेंगे, शुरू करें। शांति 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 शांति। किसी को सुनाई दी आवाज? सुनाई दिया थोड़ा? और अगर आपको सुनाई दिया है तो अभी भी सुनाई दे रहा होगा, हाथ निकालने के बाद भी सुनाई दे रहा, क्योंकि मन अभी उधर चला गया है। शरीर को बिल्कुल मत हिलाओ, हाँ शरीर को बिल्कुल मत हिलाओ, क्योंकि ये गेम जो है ना, आप उस एक सेल, छोटा छोटा जो सेल है उसको दिमाग में रख के ये गेम खेलो, ये पूरे शरीर को दिमाग में रख के गेम मत खेलो। वो छोटा एक सेल जो जरा सा भी हिला तो समझ लो कि वो एक अलग कॉन्टिनेंट में चला गया, उस कितना छोटा सा है ना, जरा सा भी हिले हम लोग तो वो अलग कॉन्टिनेंट में चला गया। जैसे एरोप्लेन होता है, आसमान में जाता है, यहाँ से यहाँ दिखता है, लेकिन वो तो कई सारे स्टेट्स को पार गया, यहाँ से यहाँ ऐसा दिखता है हमको, वो तो 1000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में चल रहा है, ऐसा दिखता है यहाँ से यहाँ ही आया, बट यहाँ से यहाँ आया मतलब वो तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट आ गया।
उसी तरीके से ये छोटा सा सूक्ष्म सा जो सेल है वो यहाँ से यहाँ आने का मतलब है कि उसके लिए उसने बहुत लंबी दूरी तय कर ली, वो कहाँ था कहाँ भेज दिया आपने उसको, थोड़ा सा भी लाया। इसके लिए बॉडी को एकदम जीरो अवस्था में लाना है, शरीर को दिमाग में रख के ये नहीं खेलना है। ये पूरा सेट जो है एक बार फिर से प्रैक्टिस करेंगे पूरा सेट, और उसके बाद एंड करेंगे। एक ही बार में पूरा मेडिटेशन तो नहीं सीख जाएंगे, तो तीन बार आओ उमा करेंगे, कमर सीधी, सारा गेम जो है वो एक छोटे से सेल को दिमाग में रख के सारा गेम खेलना। लंबी सांस भर लेंगे, शांति शांति। स्टेप नंबर वन हमने क्या किया, बड़े नेगेटिव इमोशंस को निकाला। स्टेप नंबर टू, अब मैं आपको अनहद बाणी की तरफ लेके जाऊंगा। ध्यान रखना सारा खेल वो शरीर का जो सबसे छोटा सेल है वो मैं हूँ, उसे समझना। बाकी ये शरीर जो है वो एक बुद्धि रूप है, अगर मैं जरा सा भी हिला तो समझ लो उसको यहाँ से किसी और कॉन्टिनेंटल में लेके चला गया, उस छोटे से सेल को। इसीलिए शरीर को बिल्कुल नहीं हिलाना, ये गेम है। और एक मिनट के लिए हम वैसे ही अपने कानों को बंद करके, एक मिनट के लिए हम अपने कानों को बंद करके जब मैं बोलूँगा तब शुरू करेंगे। शांति 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 शांति। ये मैंने सहारा लेके किया। अब सारे शरीर को रोक कर तीन मिनट के लिए बिना सहारे के हम करने की कोशिश करेंगे, जैसे डॉक्टर्स प्रैक्टिस करते हैं ना, हम भी प्रैक्टिस है, मेडिटेशन भी प्रैक्टिस ही है। नोबडी इज मास्टर इन दिस, एवरीबडी डू प्रैक्टिस ओनली। तो कमर सीधी, पूरे शरीर को एक पत्थर की तरह बना लेना है, और कोशिश करनी है अपने मन को उस नेगेटिव लेवल की जो साउंड है वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करो। विचार जाने नहीं देंगे, वो नहीं जाएंगे, क्योंकि वो उन्होंने छोड़ दिया तो वो खुद बेचारे मर जाएंगे, कौन मरना चाहता है, वो नहीं मरने जाएंगे। लेकिन ताकत लगाओ, कोशिश करो। अगले तीन मिनट के लिए शुरू करेंगे। शांति 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 शांति।
देखो एक प्रैक्टिकल चीज आपको और बताता हूँ। जिस प्रकार से एक समुंदर है, उस समुंदर के अंदर बहुत सारे बर्फ के पहाड़ होते हैं। वो बर्फ के पहाड़ जो है वो समझ लीजिए इंसान के रूप में है। वो बर्फ के पहाड़ जो है उनका जो माइक्रो लेवल है वो देखने के लिए तो बर्फ के पहाड़ जो है वो अलग अलग है, अलग अलग है, लेकिन उनका जो सूक्ष्म रूप है वो क्या है? बर्फ के पहाड़ का सूक्ष्म रूप क्या है? जल है, पानी है। और जब वो पानी में बन जाएगा तो पूरा समुंदर है वो। उसी तरीके से हमारा जो सूक्ष्म रूप है वो वॉइस है, साउंड है। और जब हम साउंड की अवस्था में जाएंगे तो हम सब एक है। जैसे वो बर्फ का पहाड़ अगर पिघलता है तो फिर समुंदर एक है, उसी तरीके से जब हम साउंड की अवस्था में जाएंगे तो हम सब एक है। जब तक फिजिकल अवस्था में तब तक अलग अलग, लेकिन जब साउंड की अवस्था में चले गए तो हम सब एक है। परफेक्ट। चलिए, आप लोगों में से कौन यहाँ पर आना चाहेगा और अपने एक्सपीरियंस को 2 मिनटों में शेयर करेगा? आराम से आइए, 2 मिनट। हाउ वॉज योर एक्सपीरियंस, जस्ट शेयर एनीथिंग न्यू, कुछ नया हो आप करते होंगे। ऐसे तो मैं योगा बहुत दिनों से करता हूँ और रोज ही करता हूँ। ये योगा ने हमें हेल्प किया, बीच में हमें स्पाइन का प्रॉब्लम हुआ था, लेकिन आज जो सीखा है या लास्ट ईयर भी हमने जो ये देखा, ये कहीं सीखने को नहीं मिला। हम कभी कभी सोचते हैं इस एज में ये सब कोई बताता है जो सीनियर एज में होता है, लेकिन इस एज में भी आप ऑलराउंडर है जो इतना बताया। निगेटिव वाला सबसे तो अच्छा इस बार ये निष्कर्ष निकला, वो जो निगेटिव वाला बोला कि फियर, शेम, इमोशन, जेलसी, ये दूर करना है, यही रुकावट है। तो हमने वो एक्सपीरियंस किया। और साउंड वाला हल्का, तो वो अगर प्रैक्टिस डेली किया जाए, प्रैक्टिस तो परफेक्ट कर देगा, प्रैक्टिस ही कहते हैं। तो मैं भी अभी इस एज में मैं भी पढ़ी, तो सबसे पहला प्रायोरिटी रहता है हेल्थ का, उसके बाद सेकेंड प्रायोरिटी बिजनेस का। तो हम डेली एक घंटा योगा करते ही करते हैं, योगा करें तो आज जो हमने वो भी किया वो भी हमारा एक्सरसाइज हो गया, समझिए। डांस जो हो रहा था, समझिए कि लगातार हम वॉकिंग 2-3 किलोमीटर वॉकिंग भी कर लिए। तो ये इसलिए बहुत अच्छा नया एक्सपीरियंस सीख, ये चीज़ जो है कहीं भी और हमें पहले बार आपसे सीखने को मिला। सबसे बड़ी बात जो सीखी कि निगेटिव इमोशन को दूर करना है। कभी कभी आ जाता है निगेटिव, अरे जेलसी, फियर, ये सब दूर करना है। हमेशा कुछ ना कुछ लेके जाना चाहिए, सब हम नहीं कहते कि 100% लेके जाइए, लेकिन कुछ भी लेके जाइए। आज हम आपके ये सेशन से ये बहुत कुछ लेके जा रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू। आइए मैम, नमस्कार सर। मैं एक्चुअली हमेशा मेडिटेशन करती हूँ, और मेडिटेशन के लिए जो भी प्रक्रियाएं होती हैं, मतलब मुझे अच्छा लगता है, लेकिन स्पेशली जो तरीका सर ने आज बताया है उससे मुझे ऐसा एहसास हुआ कि जैसे हम अंधेरे में किसी सुनसान रास्ते में चल रहे हैं, और जहाँ पर आसपास कोई रोशनी नहीं है, दूर दूर तक कोई देखने वाला नहीं है, और सिर्फ हम अकेले हैं और चले जा रहे हैं, तो उस समय एक अजीब सी आवाज़ें होती है आसपास की, एक प्रकृति का साउंड होता है, कुछ आसपास छोटे छोटे जीव जंतु होंगे शायद जो कुछ आवाज़ें करते हैं, इस तरीके का जो साउंड सुनाई देता है। पर्टिकुलर मुझे आज वैसा ही साउंड सुनाई दिया, और वो आँखें खुले रखने के बाद में भी जैसा कि सर कह रहे थे कि वो सुनाई दे रहा था, ऐसा लग रहा था कि किसी कोने से कोई साउंड बहुत तेज़ी से आ रहा है जो मेरे कानों तक पहुँच रहा है। और ये एहसास मुझे आज मतलब मुझे मेडिटेशन में जो गहराई तक पहुँचने के लिए जो सर ने ये चीज़ बताई है वो मुझे बहुत अच्छी लगी, और मुझे ऐसा लगता है कि शायद इस तरीके से मैं मेडिटेशन करूँगी तो जो मैं चाहती हूँ, मैं भी चाहती हूँ कि मैं बहुत गहराई में उतरूँ, बहुत ज़्यादा गहराई में जाऊँ, और वो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस विधि से मुझे प्राप्त हो जाएगी। और सर ने आगे तो अभी मुझे बताया नहीं, लेकिन मैं चाहूँगी कि इस प्रक्रिया को बहुत अच्छी तरीके से अपनाऊँ। तो ये बहुत ही अच्छा एहसास था, और मैं इसके लिए सर को स्पेशली धन्यवाद कहूँगी। थैंक यू। मेरा नाम तेज प्रताप सिंह है, मैं बिहार से आया हुआ हूँ। मेडिटेशन ध्यान को केंद्रित करने की चीज़ें हैं।
आप सभी लोग अनुभवी हैं। बीच में कभी कभार योगा मैंने किया है, लेकिन आज जो मेडिटेशन मैंने किया बिल्कुल मेरे लिए एकदम नया एक्सपीरियंस रहा। काफ़ी मन को शांति मिला, काफ़ी अंदर से रिलैक्स फील हुआ, दुनियादारी में भूल गया उतने देर के अंदर, क्या है नहीं है दिस दैट किसी भी तरह का कोई ख्याल नहीं आया। और मैंने जो ये प्रैक्टिस किया, मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं से कुछ आवाज़ें आ तो रही हैं सुनसान रास्ते वाली, आई रियली मुझे वैसा फील नहीं हुआ, लेकिन मुझे लगा कि कुछ चिड़िया का चूंचा कहीं से आवाज़ आ रही है, जंगल वगैरह कहीं से कुछ साउंड मिल रहा है हल्का हल्का, अच्छा लगा। मतलब मेडिटेशन में यही रहा कि पूरी दुनियादारी भूल करके आदमी अपने आप को रिलैक्स फील किया, शरीर रिलैक्स हुआ और काफ़ी बेहतर परफॉर्मेंस रहा, काफ़ी अच्छा लगा सर, बहुत अच्छी महसूस हुई, लगा कि पूरा दुनिया का सारा टेंशन हमसे दूर है, अब हम यहाँ पे केवल ध्यान केंद्रित कर चुके हैं अपने मेडिटेशन पे, यही रहा सर।